फैमिली, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सब लोग का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। तो आज का वीडियो बहुत ही टाइम से रिक्वेस्टेड था मेरे पास कि विशाली आप इतनी शॉपिंग करते हो अमेज़ॉन से, सो हमारे साथ कुछ आपके फेवरेट शेयर करो। तो आज का वीडियो वही होने वाला है, सारे ही आउटफिट कम्प्लीटली ट्रस्टेड है। और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है हैशटैग पंगा और हैशटैग पैटर्न सीरीज। सो आज का पंगा हम लेने वाले हैं ऑब्वियसली देसी और इंडियन प्रिंट्स के साथ, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। और आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जिससे आप अपने जो वार्डरोब में ऑलरेडी पीसेस पड़े हैं उनको रीस्टाइल कैसे कर सकते हो, या किन चीज़ों को मिक्स मैच करके एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे ही आउटफिट आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे इजीली, परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी के लिंक दे दिए हैं। चलिए मेरी फेवरेट वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट पीस, चलिए पहला सूट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि विशाली आप इतने सारे ब्लैक आउटफिट पसंद करते हो, ब्लैक कलर आपका फेवरेट है, आपका फेवरेट एथनिक वेयर में सूट कौन सा है ब्लैक? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हियर इज़ द आंसर। मेरे पास अगर ब्लैक में एथनिक में कोई भी मुझसे पूछे कि आपका टॉप फेवरेट सूट कौन सा है, सो मेरा टॉप फेवरेट है ये वाला सूट। दिस इज़ फ्रॉम सिया ब्रांड से। इसमें मेरा साइज़ लार्ज है। इसको मैंने आज से लगभग 3 साल पहले ख़रीदा था। मैं बहुत बार इसको स्टाइल भी कर चुकी हूँ। ये पहले मिंत्रा पर अवेलेबल था, बट अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी डील के साथ मिल रहा है। मैंने आई थिंक इसको 1999 के अराउंड ख़रीदा था और ये अभी आई थिंक 1400 में मिल रहा है। 3-piece सूट सेट, पूरा कॉटन का सूट सेट है। राउंड नेकलाइन जो है ऊपर तक पूरी बंद गले की मिलती है आपको, फुल स्लीव के साथ मिलता है, और यहाँ पर आपकी वेस्ट लाइन के पास इलास्टिक मिलती है जो इसको बहुत ही अच्छा लुक देती है। नीचे ये देखिए, लुक एट द घेरा, अम्ब्रेला घेरा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। नीचे की तरफ से हल्का सा जो दबका वर्क होता है ना सीक्वेंस के साथ, एक बॉर्डर दिया हुआ है फुल सर्कमफ्रेंस पे। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस पीस कि हल्का सा नीचे एक गोल्डन बॉर्डर दिया है, अदरवाइज पूरा एकदम ब्लैक सॉलिड सूट है जिसको आप पता नहीं कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हो। बैक में इसके एक बटन आता है इस तरीके से कटआउट के साथ। इसके साथ जो एक मुझे दुपट्टा मिला था वो एक ऑर्गेन्जा का पीच कलर का दुपट्टा है, इफ़ यू बिलीव मी। तो मैंने वो दुपट्टा कभी भी स्टाइल नहीं किया और अभी भी मेरे पास वो नहीं है, मुझे याद भी नहीं है मैंने वो कहाँ रख दिया है। सो मैंने आज डिफरेंट तरीके से इस सूट को स्टाइल किया है। इसके साथ पैंट मिलता है, टेपर्ड फिट का पैंट, सेमी इलास्टिक बैंड है, साइड से आपको हुक एंड जिप मिलती है ये देखिए, और नीचे की तरफ एक कटआउट भी मिलता है। ये पैंट भी काफ़ी काम का है जो कि बहुत सारे सूट्स के साथ आप पहन सकते हो। अब इसके साथ जो मैंने दुपट्टा पहना है वो है इसकी जान, मतलब सूट तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर है बट इसके साथ जो मैंने दुपट्टा पहना है कंप्लीट कलमकारी, इसके साथ जो मैंने दुपट्टा लिया है ये ब्यूटीफुल अजरक दुपट्टा जो कि है ब्रांड वीव ट्रैवलर से। इनके पास ही बहुत लिमिटेड स्टॉक में ना दुपट्टे के डिज़ाइन होते हैं, तो मैं इनके काफ़ी सारे दुपट्टे के ऑप्शन ना नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें अगर आपको इस तरीके का ये मरून दुपट्टा नहीं चाहिए तो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक कर दूंगी। ये ब्यूटीफुल प्योर कॉटन, मतलब ऑर्गेनिक कॉटन पे हैंडब्लॉक प्रिंट आपको मिल रहा है, मस्ट ट्राई। मैंने स्टाइल किया है मिरर बेल्ट के साथ। ये मिरर बेल्ट भी मैंने मीशो से आई थिंक दिखाई थी। सो ये कम्प्लीट लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फुल लेंथ फुल विथ के साथ दुपट्टा मिलता है, आप चाहे तो कैसे भी पहन सकते हैं। मतलब ये वाला जो सूट है ना, अगर कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, इस दुपट्टे को जस्ट अपने नेक के अराउंड बांध लो और उसको आगे की तरफ छोड़ दो एंड यू आर सॉर्टेड। आप ऑफिस भी जा सकते हो उसको पहनकर, बहुत सुंदर लगोगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट लुक, वन ऑफ माई फेवरेट अगेन पीस जो कि है इशिन ब्रांड से। इसमें आपको फुल रियल मिरर का वर्क मिलता है, आगे की तरफ फुल एम्ब्रॉयडरी है प्लस पेस्टल कलर्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे टैसल्स हैं। आई लव दिस पीस। ये जो मिरर है इसमें रियल है, इसकी लुक अलग ही आती है। मैंने इसको 2-3 बार स्टाइल किया और हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। 3-4 स्लीव है यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी रखी है और ये ना ल्यूरिक्स फैब्रिक में है, कॉटन है 100% कॉटन। ये जो गोल्डन स्ट्राइप्स आप देख रहे हो इसमें वूवन है, इसीलिए और भी ज़्यादा ना ग्रेसफुल लगता है। नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी है, बैक पर भी आपको फुल यही वाली स्ट्राइप्स मिलेंगी गोल्डन।
एंड इसके साथ जो मैंने नेक पीस पहना है आई थिंक वो भी अमेजोन से ही है, तो मैं उसको लिंक कर दूंगी। इसके अंदर आपको मिलता है कट स्लीव में ये ब्यूटीफुल अनारकली। आप चाहे तो देखो ऐसे अगर सिंगल पहनोगे तो ये थोड़ा सा सी थ्रू है कॉटन मटेरियल में, बिकॉज ऑब्वियसली वो कुर्ती आप इसके ऊपर कैरी करने वाले हो। बट अगर आप समर्स में इसको ऐसे ही पहनना चाहते हो, चाहे तो आप जैसे मैंने वो दुपट्टा दिखाया वो इसके साथ ही बहुत सुंदर जाएगा। लेट मी शो यू, वेट अ सेकेंड। देखिए अब इसके साथ अगर आप ये वाला दुपट्टा कैरी करते हो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लुक एट दिस। सो ऐसे भी आप कैरी कर सकते हो इसको। कंप्लीट अनारकली है जो कि बहुत अच्छे घेरे के साथ आपको मिलती है। ये देखो ह्यूज घेरा, इट्स ब्यूटिफुल। ये देखो। सो अगेन इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके एक ही आउटफिट से आप दो तीन लुक्स क्रिएट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कुर्ती की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुर्ती पर जाने से पहले आप लोग पूछने वाले हैं वैशाली आपने क्या स्टाइल किया है। मैंने जो ये सूट पहना हुआ है ये अक्स ब्रांड से है और ये बाटिक में है, बहुत ही सुंदर कॉलर वाला पीस, इसको भी मैं लिंक कर दूंगी। और मैंने नेक पीस पहना है ये है अलीक ब्रांड से, जो कि एक इंस्टाग्राम स्टोर है ALEEK, उनको आप सर्च कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो अबाउट दिस नेकलेस। और ये जो ईयरिंग्स हैं जो मैंने मैच करके पहने हैं ये मैंने गुजराती लेन से लिए थे जो कि दिल्ली में है कनॉट प्लेस। सो चलिए नेक्स्ट कुर्ती मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अमेजोन पे अगर आप सर्च करेंगे तो। दिस ब्यूटिफुल कुर्ती फ्रॉम जयपुर कुर्ती ब्रांड। लुक एट द ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ इस कुर्ती को क्यूरेट किया है, लव इट। योग पर बहुत सुंदर ब्लॉक प्रिंट है, यहाँ पर जो ये ब्लैक पट्टी आप देख रहे हो उसमें हल्का सा सीक्वेंस का काम है और 3-4 स्लीव है, यहाँ पर भी डिफरेंट पैटर्न लगाया हुआ है। इसकी बैक की चोली में डिफरेंट पैटर्न दिया हुआ है, इवन जो नीचे वाला है वो डिफरेंट पैटर्न है। इसकी जो स्लिट पर लगाया हुआ है ये भी अलग पैटर्न है, तो आई लव इट। इसको आप ब्लैक के साथ, मरून के साथ, बेज कलर के साथ, इवन ये मस्टर्ड शेड है या रस्ट शेड है, इस किसी भी पैंट के साथ पहन सकते हो। इवन ये डेनिम्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप थोड़ा सा फ्यूजन लुक चाहते हैं तो डेनिम्स के साथ पहनना बहुत ही स्मार्ट लगेगा। 100% कॉटन में, जस्ट ट्राई इट आउट, बहुत बजट फ्रेंडली है, चेक करना। मूविंग टू द नेक्स्ट कुर्ती। नेक्स्ट अगेन अजरक पैटर्न में, रस्ट कलर में ये कुर्ती है और ये भी बहुत सुंदर है। ये देखो अजरक में इसका आगे का पैटर्न मिलेगा, आगे जो है पट्टी देख रहे हो यहाँ पे हल्के हल्के ना बीड्स वर्क किया हुआ है, छोटे छोटे कॉपर कलर के मोती होते हैं ना जस्ट वो लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक टैसल मिल रहा है और प्रिंसेस कट में इसका डिज़ाइन है। इसके भी साइड पैनल पर दो तरीके से जो डिफरेंट ब्लॉक्स है उनको यूज़ किया हुआ है। ये देखो अगेन इसका पैटर्न और इसका थीम जो कलर है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखो किसी भी पूजा में आप इसको पहन सकते हो, आप ऑफिस जाते हो तब इसको पहन सकते हो। सच आई कैची पीसेस, मस्ट हैव, माय टॉप फेवरेट्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पीस जो कि है एक शर्ट। अब इस शर्ट को आप चाहे तो डेनिम्स के साथ डेफिनेटली पहन सकते हो। चलिए नेक्स्ट लुक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने पिक किया है एक शर्ट। अब कॉटन शर्ट है ब्लॉक प्रिंट में, तो आप ऑब्वियसली जीन्स के साथ पहन सकते हो, क्यूलॉट्स के साथ पहन सकते हो या फिर प्लाजोस के साथ भी पहन सकते हो, बट मैंने पहना है शॉर्ट्स के साथ। यस, डेनिम शॉर्ट्स के साथ, और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तो समझ में बहुत बार स्टाइल करूँगी, आप मुझे देखेंगे भी। सो नेक्स्ट पीस इज़ फ्रॉम दिवेना ब्रांड और ये कॉटन शर्ट है लार्ज साइज़ में। अब इसका ना एल्बो तक स्लीव है, तब भी मैंने इसको ना हल्का सा फोल्ड किया हुआ था। एंड इस शर्ट की सबसे खास बात ये है, मेरी हाइट 5'2" है, ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्रॉप्ड नहीं है, जिसको पहनकर कॉन्शियस फील करने लगो या लंबी लगे तो या शॉर्ट्स के साथ तो ये बिल्कुल नहीं जा रही है, या फिर जीन्स के साथ भी ना काफ़ी लंबी जब शर्टें हो जाती हैं तो वो नहीं स्टाइल की जाती। इसका जो हाइट है वो एकदम परफेक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से शर्ट्स की हाइट इतनी ही होनी चाहिए, ऊपर के एक ही बटन इसका फंक्शनेबल है, बट मुझे ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने इसको बहुत बार पहना है। इवन मैं इसको कितनी बार वॉश कर चुकी हूँ, इसका कलर बिल्कुल इंटैक्ट है और कुछ भी नहीं हिला है। सो ट्राई दिस आउट, बहुत ही अच्छी है। मूविंग टू द नेक्स्ट और फाइनल शो स्टॉपर। वैसे तो ये सारे ही मेरे फेवरेट्स थे बट स्टिल आई हैव ऑन द टॉप। सो ये है, अगर आप मुझे पूछेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक में मेरा फेवरेट एथनिक पीस है वो वाला सूट, और अगर आप
पर्टिकुलर एथनिक प्रिंट में या एथनिक पीस में अगर आप मुझसे पूछेंगे इंडियन और देसी प्रिंट में आपका फेवरेट वाला पीस कौन सा है, दिस वन इज़ माई फेवरेट पीस। और इसको भी आप मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकते हो। ये देखो, मैंने इवन उस ब्लैक वाली कुर्ती के ऊपर इस श्रग को एक बार स्टाइल किया था और वो भी बहुत ऑसम लग रहा था। लुक एट दिस ब्यूटिफुल इक्कत कुर्ती। ये इक्कत प्रिंटेड है, वूवन वाला नहीं है, राउंड नेकलाइन है, आगे एक बटन लगा हुआ है वो भी वुडन का, जो कि बहुत सुंदर है। ब्राइट रेड और ब्राइट, एक्चुअली ये वाले कलर कॉम्बिनेशन में ना देसी और एथनिक प्रिंट मिलना बहुत टफ होता है। सो ये ए लाइन में कुर्ती है जो कि बहुत प्रिटी है। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी इस कुर्ती को पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगती है। और इसके साथ जो श्रग मिल रहा है, ये कॉटन की कुर्ती है, इसमें कोई स्लिट नहीं है, ए लाइन में है। और इसका जो श्रग है, ओ माय गॉड, काथा विद दिस ब्यूटिफुल कथकली फेसेस प्रिंट ऑन इट। ये देखो यहाँ पे जो आप ये लाइंस देख रहे हो ना, डॉट डॉट डॉट, वाइट वाइट, ये काथा स्टिच पे है, प्योर कॉटन। और इस श्रग की साइड पर स्लिट है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साइड पर पूरा रेड कलर का बॉर्डर दिया है, अगर आप नेक लाइन पर देखें अंदर पूरा रेड कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। आई लव एवरी डिटेल। ये देखो बहुत ही प्यारा कॉटन मटेरियल, पर जितनी बार भी मैंने इसको स्टाइल किया है, अगेन मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट बटोरे हैं। इवन मेरी मम्मी ने भी इसको एक बार स्टाइल किया था, उन पर भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, ऑलरेडी पिक्चर्स वीडियोस अपलोडेड हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ वैशाली मित्रा, जहाँ पर आपको ये सारे आउटफिट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं कमेंट करके जाना, और इस वीडियो को लाइक करना, और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे चिपक के, बाय।